इस समय की बड़ी खबर आपको बता दूं कि पुंछ जिले से आ रही है। लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले जो है वो कहीं ना कहीं खलबली करने के इरादे से जो है वो एक हेडमास्टर को जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने जो है वो उसके नापाद इरादों को जो है वो पुलिस ने नाकामयाब किया। मैं आपको बता दूं कि एक हेडमास्टर जो पुंछ जिले का रहने वाला बताया जा रहा है, उस हेडमास्टर को जो है वो एक पिस्तौल और दो ग्रेनेड के साथ जो है वो हिरासत में लिया गया है। तो इस वक्त की ये जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि एक हेडमास्टर जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, और मैं आपको बता दूं कि टीचर को जो है वो लोग भगवान का दर्जा देते हैं, एक शिक्षक है, एक गुरु है, वो तमिल बच्चों को जो है वो शिक्षा देते हैं, तब जाकर बच्चे जो है वो आगे आकर बड़े अफसर जो है वो बनते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हैरानगी होती है, इतनी ज़्यादा तनख्वाह जो है वो गवर्नमेंट इन टीचरों को देती है, हालांकि ये हेडमास्टर हैं और अंडरग्राउंड वर्कर जो है वो बताया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि एक शख्स जो पुंछ जिले का रहने वाला है, जिसकी पहचान कमरुद्दीन है, और मैं आपको बता दूं कि ये रहने वाला गुंडा का है, और मैं आपको बता दूं कि अंडरग्राउंड वर्कर है, एक जो हेडमास्टर है लाखों की तादाद में जहां पर वो है वो उनको सैलरी मिलती होगी, लेकिन जो है वो कहीं ना कहीं इस हेडमास्टर को जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि दो ग्रेनेड और एक पाकिस्तानी पिस्तौल जो है वो इससे रिकवर जो है वो पुलिस ने किया। मैं आपको बता दूं कि एक जॉइंट जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी किया गया था, जिसमें 39 RR रोमियो फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन जारी किया था, और पुलिस को जो है वो सूचना मिली थी कि ये हेडमास्टर जो है वो लोकसभा चुनावों में जो है वो कहीं ना कहीं खलबली जो है वो कर सकता है। तो जिसके चलते हुए जो है वो पुलिस ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन जो है वो जारी रखा, तो इसके घर से जो है वो दो ग्रेनेड जो और एक पाकिस्तानी पिस्तौल जो है वो पुलिस ने रिकवर की है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो जम्मू कश्मीर से आ रही है, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से आ रही है। आप लोग हैरान हो जाओगे कि अगर इस तरह का काम जो है वो टीचर भी करने लगे, यानी कि ये हेडमास्टर है, अगर हेडमास्टर भी इस तरह का काम करने लगे तो सोचिए कि जम्मू कश्मीर जो है वो किस ओर जाएगा। आप लोग जो है वो चौंक जाएंगे ये खबर सुनकर कि एक हेडमास्टर के घर से जो है वो एक पाकिस्तानी पिस्तौल और दो चाइनीज ग्रेनेड जो है वो प्राप्त हुए। अभी जो है वो पूरे इलाके को जो है वो कॉर्डन किया गया है, सैनिटाइज किया जा रहा है, और पूरे एरिया में जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। अभी जो है वो फिलहाल पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि किसके कहने पर ये काम जो है वो चल रहा था और कितने लोग जो है वो इसके साथ शामिल हो सकते हैं, जहाँ शामिल थे। अभी फिलहाल जो है वो जाँच जो है वो चल रही है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से, जहां पर एक व्यक्ति को जो है वो हिरासत में लिया है, लेकिन ये व्यक्ति जो है वो मामूली नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये हेडमास्टर है और लाखों रुपए जो है वो उनको सरकार पे देती है, लेकिन जहां पर जो है वो एक चौंका देने वाला मामला जो है वो सामने आया है, जहां पर एक हेडमास्टर के घर से एक पिस्तौल और दो ग्रेनेड और कुछ अन्य हथियार जो है वो बरामद हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो पुंछ जिले से आ रही है। इस वीडियो को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और तमाम लोगों तक ये खबर जो है वो पहुंचे। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आप भी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव जो है जम्मू कश्मीर में सरपर्वे हैं, और इलेक्शन जो है वो 7 मई को रजौरी पुंछ में होनी है। उसके चलते हुए अब कहीं ना कहीं जो है वो बड़ी खलबली वहां पर मच सकती थी, कहीं ना कहीं इनके इरादे जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी जो है वो चकड़नी है। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार नाके लगा रही है, आने जाने वालों के ऊपर जो है वो पैनी नजर रखे हुए है। कहीं ना कहीं जो है वो पुलिस को पहले ही अनुमान था, और उसके चलते हुए जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी रखा। तो जो व्यक्ति है जिनकी पहचान कमरुद्दीन बताई जा रही है, कमरुद्दीन के घर पे जो है वो चेकिंग के दौरान एक गन और दो ग्रेनेड जो है वो बरामद हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ना जाने ये लोग जो है वो किस लिए इस तरह के काम जो है वो करते हैं। अच्छी खासी जॉब जो है वो उनकी लगी है, और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि खाते तो इंडिया का है, लेकिन गुण जो है वो पाकिस्तान का गाते हैं। कहीं ना कहीं पता नहीं कब से जो है वो इस तरह की रैकिंग जो है वो जम्मू कश्मीर में कर रहा था, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जो जासूसी जो है वो कर रहा था। जो तमाम चीजें जो है वो जोड़ी जाएंगी और उससे जो है वो देखा जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस व्यक्ति को जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया है, और कितने लोग जो है वो इसके साथ शामिल थे, पुलिस जो है वो अन्य पहलुओं पर जांच कर रही है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी खबर, जहां पर एक हेडमास्टर को जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों ने जो है वो मिलकर सर्च ऑपरेशन जारी रखा था, जिसमें आपको मैं बता दूं कि 39 RR रोमियो फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो मौजूद ही सल्यूट करेंगे। SSP
थी पुंछ को, जिनके नेतृत्व में ये सारा काम जो है वो चला था। और मैं आपको बता दूं कि बड़ी कामयाबी इसलिए मानी जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनावों की इलेक्शन जो है वो सर पे है और 7 मई को जो है वो राजौरी पुंछ में इलेक्शन जो है वो होने हैं। कहीं ना कहीं जो है वो बड़ी वारदात को अंजाम ये दे सकते थे और कहीं ना कहीं इनके मनसूबों को हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों ने जो है वो नाकाम किया है। सिक्योरिटी फोर्स जिंदाबाद, जरूर लिखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो जो है वो पहुंचे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, देखते रहे रांची जेके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।